तो चलिए अब आपको बता दें कि ग्वालियर में कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है और कॉन्क्लेव में जुटेंगे देश विदेश के निवेशक भी। 7 देशों के ट्रेड कमिश्नर उद्योगपति होंगे शामिल। अडानी और एक्सेंचर कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। उद्योगपतियों से निवेश पर सीएम करेंगे संवाद इस बीच, और सीएम मोहन यादव निवेशकों से 1-to-1 संवाद करेंगे। निवेश की संभावना पर उनसे विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। साथ ही राजमाता विजय राजे सिंधिया विश्वविद्यालय में कॉन्क्लेव इन्वेस्ट एमपी पोर्टल पर भी लॉन्च करेंगे सीएम मोहन यादव। सीएम 22 उद्योगियों इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। साथ ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम यहां देखे जा रहे हैं। करीब 3,000 पुलिस जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। ज्यादा से ज्यादा निवेश है, इसको लेकर लगातार सीएम मोहन यादव प्रयासरत नजर आ रहे हैं। कॉन्क्लेव में जुटेंगे देश विदेश के निवेशक। यहां पर एमपी में निवेश करने की खासियतें बताते भी नजर आएंगे कल सीएम। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो कल होने जा रहा है, इसमें बाहर की भी कंपनीज आ रही हैं और अडानी समूह, रिलायंस समूह का रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें प्रमुखता से होगा। इसके अलावा अन्य प्रमुख समूह भी आ रहे हैं, एक्सेंचर ग्रुप के भी ऑफिसर्स यहां पे होंगे, और जो जमुना ऑटो है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पदाधिकारी यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्क्लेव होने के दृष्टिकोण से हम लोगों ने व्यापक पुलिस व्यवस्थाएं इंश्योर की हैं, और जो हमारा प्रमुख सभागार है, इसके अतिरिक्त जो हमारे परिसर है जिसके विभिन्न प्रवेश द्वार हैं, इसके अतिरिक्त 3 डोम्स बनी है लंच वगैरह के लिए, इसके लिए एग्जीबिशन भी है, और विभिन्न पार्किंग स्थल भी हम लोगों ने डेवलप किए हैं जो कि आने वाले डेलीगेट्स हैं उनके वाहनों को पार्क करने के लिए रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न हमारे यहाँ के जो फेमस होटल हैं उसमें भी इनके स्टे की व्यवस्थाएं हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, मार्ग व्यवस्थाएं हैं, तो सभी के लिए हम लोगों ने 3,000 पुलिस अधिकारी कर्मचारी टोटल लगाए हैं। ग्वालियर की नगरी हर चीज में अपने आप में एक इतिहास लिखती है। पहले भी उद्योग की नगरी थी, विकास की नगरी थी, प्रगति की नगरी थी, और अब ये जो समिट हो रही है ये नया इतिहास लिखेगी, रचेगी, और ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग और मध्य प्रदेश के लिए प्रगति विकास के नए द्वार खुलने जा रहे हैं इस समिट से, और देश के वो उद्योगपति निवेश करने आ रहे हैं जो हमेशा नया करते हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, उनको उद्योग के लिए कोई भी बाधा, कोई भी अड़चन उनके सामने नहीं आएगी, सरकार पूरा समाधान करेगी। अच्छा करी है, ग्वालियर को एक नई सौगात मिलने वाली। चलिए अब आपको बता दें कि ग्वालियर में कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। इन्वेस्टर समिट पर बोले सीएम मोहन यादव, हमारी सरकार औद्योगिकीकरण का काम कर रही है, रीजनल स्तर पर सफलता मिल रही है, और साथ ही इंडस्ट्री का ये एक यज्ञ है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी खूब उत्साह देखने को मिलेगा। डबल इंजन की सरकार में लगातार विकास काम तेजी से होगा। कि जब से हमारी सरकार बनी, लगातार औद्योगिकरण की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं, और खास करके संभाग संभाग में जा कर के औद्योगिक निवेश को लेकर के इंडस्ट्री रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, और इसका जो प्रतिसाद मिल रहा है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है। पहले उज्जैन, फिर जबलपुर, कल ग्वालियर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है, और जिस प्रकार से अभी तक निवेशकों का और रोजगार की अगर बात करें, बड़ी उत्साहजनक समाचार के साथ ये इंडस्ट्री का एक तरह से यज्ञ देखा जा रहा है। मैं इसके बाद में उम्मीद करूँगा जब सागर और रीवा की होगी, और आखिरी फरवरी में हमारी ग्लोबल भोपाल में होने वाली है। ग्वालियर में कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, और साथ ही इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इन्वेस्टर समिट पर बोले सीएम मोहन यादव, हमारी सरकार औद्योगिकीकरण का काम कर रही है, और साथ ही विकास की यहां पर राह जो है वो और गति मिलती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ
सहयोगी कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्ण, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर, क्या कुछ खास होने वाला है कल? देखिए बिल्कुल, मेरा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर और औद्योगिक नगरी के रूप में तैयार होता ग्वालियर, इसका गवाह है ग्वालियर में आयोजित होने वाली रीजनल कॉन्क्लेव, जिसको लेकर ये तैयारियां जो हैं आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर चल रही हैं और इनको अंतिम रूप जो दिया जा रहा है, क्योंकि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब ग्वालियर पहुँचेंगे, उसके बाद जब इस कॉन्क्लेव का शुभारम्भ करेंगे, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो ग्वालियर चंबल अंचल है, इस अंचल को हर क्षेत्र में इतिहास के पन्नों में झांक कर देखा जाए तो एक औद्योगिक नगरी के रूप में इसकी पहचान थी। ऐसी स्थिति में दोबारा से ग्वालियर का वैभव, पुराना वैभव लौटा, इसको लेकर ये कॉन्क्लेव बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जिस तरह से आपको दिखाना चाहूंगा कि एग्जीबिशंस यहाँ पर लगाई गई हैं जो अलग अलग सेक्टर्स वाइज यहाँ पर हैं, और देश और दुनिया से यहाँ पर निवेशक भी आए हुए हैं, जिनके जरिए एक बायर सेलर मीट, इसके अलावा वन टू वन टेबल मीट और जिस तरह के अलग अलग सेक्टोरियल सेशन का आयोजन होना है, ये कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमारे साथ सर यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज आप यहाँ पर ग्वालियर की धरा पर पहुँचे हैं, कितना महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है इस कॉन्क्लेव का अंचल के लिए? ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा है और यहाँ के इंडस्ट्री के लिए बहुत ही सुखदायी है, और सीपेट जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कि जो कि भारत का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है प्लास्टिक का, जो कि जितनी भी प्लास्टिक इंडस्ट्री है मेन, वो उसको स्किल के द्वारा, प्रोडक्ट स्किल के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ये मध्य प्रदेश में दो इंस्टीट्यूशन है, जिसकी मेन ब्रांच भोपाल में है और ग्वालियर में है। एक बड़ा सकारात्मक पहलू देखने के लिए मिल रहा है कि यदि हम देखें, बीती जो दो कॉन्क्लेव हुई हैं, उससे ज्यादा रुझान जो है वो झुकाव या कहें आकर्षण कहें ग्वालियर के इस कॉन्क्लेव को देखने मिल रहा है। ग्वालियर एक्चुअली में जो है वो दिल्ली के भी नज़दीक है, दिल्ली NCR के भी, तो यहाँ से अभी रिसेंटली जैसे ग्वालियर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ, तो आवागमन की सुविधाओं में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार हुआ है। उसकी वजह से इंडस्ट्री का, तमाम इंडस्ट्री जो है उसका झुकाव जो है वो ग्वालियर की तरफ ज्यादा है, ग्वालियर की तरफ ज्यादा है, और मुख्य तौर पर जो आशंका जाहिर की, विकास की गति मिलती हुई नजर आएगी और एक बदलता प्रदेश देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।